राहुल गांधी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो हरियाणा को डिस्टर्ब मत करें। आपका जीजा है जिसने हमारे हरियाणा के भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके हुड्डा साहब ने उसको देने का काम किया है, उसको खुश करने का काम किया है। राहुल गांधी उसके ऊपर भी बताने का हरियाणा के लोगों को काम करें। वाड्रा कह रहे हैं कि सबूत है तो दिखाएं। बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर सबूत है, अभी देख के पता चल जाए। बिल्कुल सबूत कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। हम भूपेंद्र हुड्डा कोई तो होगा ना, उसके अंदर कोई तो है, उसने कोई साइन तो खड़े, उसको तो दामोद को तो खुश किया, उसको तो खुश किया है, उसके सबूत कहाँ है? जिसने दिया है फंस तो वो गया बेचारा, उसकी हालत खराब होगी। हुड्डा कह रहे हैं अगर सरकार आएगी तो शंभू बॉर्डर खोल देंगे, बीजेपी ने रोक रखा। इसका मतलब ये कांग्रेस वाला ने बैठा रखे हैं, कांग्रेस ने बैठाए हुए हैं क्या उनको, जो वहाँ पर बैठे हैं किसान भाई, क्या कांग्रेस ने बैठाए हुए हैं? मुख्यमंत्री नायब सैनी हमारे साथ है, लाडवा सीट से प्रत्याशी भी है, सब प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का उत्साह जोश आशीर्वाद खूब मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि रात के समय भी पूरा गांव आशीर्वाद देने के लिए, माताएं बहनें भी आशीर्वाद देने के लिए आ रही हैं। और हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मंत्री अमित शाह जाए थे, क्या मूल मंत्र जीत का देकर गए? देखिए उनके आने से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने से प्रदेश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और जब वो आते हैं तो जीत सुनिश्चित होती है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है, ये जीत सुनिश्चित है। राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कटाक्ष किया, कहा जवानों के साथ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर बहुत जिस तरीके से अग्निवीर पर उन्होंने कहा, इसके अलावा पहलवानों पर उन्होंने बात करी, किसानों पर बात करी। राहुल गांधी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो हरियाणा को डिस्टर्ब मत करें। जिस स्थान के ऊपर वो प्रचार करने के लिए आया, वहां का जो प्रत्याशी है वो इस प्रकार के उसने बयान दिए हैं कि बिना घपले के सरकार नहीं चलती। उसने ये भी कहा है कि पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने नजदीक वालों का घर भरूंगा। क्या राहुल गांधी ये एजेंडा लेकर के हरियाणा में उतरा है कि हरियाणा को लूटने का काम करूंगा? मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि आप इस लूट खसोट से हमारे हरियाणा को बचाइए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो आपका जीजा है जिसने हमारे हरियाणा के भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके हुड्डा साहब ने उसको देने का काम किया है, उसको खुश करने का काम किया है, राहुल गांधी उसके ऊपर भी बताने का हरियाणा के लोगों को काम करें। यहाँ का लूट का पैसा जो आपके पास जाता था उसका भी बारे में बताने का काम। वाड्रा कह रहे हैं कि सबूत है तो दिखाएं। बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर सबूत है, अभी देखिए पता चल जाएगा। बिल्कुल सबूत है, कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा कोई तो होगा ना, उसके अंदर कोई तो है, उसने कोई साइन तो खड़े, उसको तो दामोद को तो खुश किया, उसको तो खुश किया है, उसके सबूत कहाँ है? जिसने दिया है फंस तो वो गया बेचारा, उसकी हालत खराब होगी। दलाल और दामाद की जो पार्टी कही जा रही है, दलाल और दामाद की पार्टी कहाँ है? दामाद को खुश करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हुड्डा साहब ने हमारे किसानों को दांव पर लगा दिया है। जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के अंदर हुआ, मैं राहुल से कहूंगा उसके बारे में भी थोड़ा सा हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं अगर सरकार आएगी तो शंभू बॉर्डर खोल देंगे, बीजेपी ने रोक रखा। इसका मतलब ये कांग्रेस वाला ने बैठा रखे हैं, कांग्रेस ने बैठाए हुए हैं क्या उनको, जो वहां पर बैठे हैं किसान भाई, क्या कांग्रेस ने बैठाए हुए हैं, ये बताने का काम करें। बड़ी आश्वस्त लग रहे हैं कांग्रेस वाले। आश्वस्त तो 8 तारीख को पता चलेगा जब सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनको हमारे हरियाणा के लोग भ्रष्टाचार को से इनको बाहर करने वाले हैं। समीकरण बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस की तो हवा हवाई उड़ी पड़ी है, कांग्रेस के पैरों तले जमीन नहीं है। उनको लोग इकट्ठे करने के लिए कहीं ना कहीं से रेंज करना पड़ता है, 200 रुपए देने पड़ते हैं, तब वो लोगों को लेकर के आते हैं। परंतु यहाँ पर लोग आशीर्वाद देने के लिए, प्यार देने के लिए मजबूती से लोग खड़े होकर के आते हैं। जितना काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया और गति से आगे करने का काम करेंगे। सर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मुख्यमंत्री की चाह में बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं। अरे हमारे नेता हैं तो अच्छी बात है,
उन्होंने तो कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है, बीसी विरोधी पार्टी है। अगर कांग्रेस के अंदर कोई दलित नेता मेहनत से ऊपर उठता है या बीसी नेता ऊपर उठता है, कांग्रेस उसको कुचलने का काम करती है। उनके आगे नहीं उठ सकता कोई, परिवारवाद में फंसे हुए लोग। हमारी शैलजा जी का वीडियो देखा था जहां वो हंस रही थी कि मुझे बुलाएंगे नहीं। हुड्डा साहब के जो समर्थक आपको बुलाएंगे नहीं। देखिए जिस प्रकार से उसके ऊपर जाति सूचक शब्द बोल करके, वो कुमारी शैलजा पे नहीं बोले, वो समस्त ऐसी समाज को इस प्रकार की बातें कही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इस प्रकार के प्रताड़ना आज भी अगर उनकी सोच ये है तो गंदी सोच है, मैं ये कहूंगा। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी और लाडवा से प्रत्याशी, जिन्होंने कहा कि सरकार अगर बनेगी तो वो भाजपा की दोबारा से यानी कि हैट्रिक रिपीट होगी, वहीं कांग्रेस का सिर्फ हवा हवाई ही बातें हैं, यानी कि उसमें असलियत कुछ भी नहीं है। फिलहाल 8 तारीख को ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी कि आखिर सरकार किसकी बनती है।